आज हम बात करेंगे बार्ज P-305 ट्रेजेडी की। बार्ज P-305 जहाज एक ONGC वेसल है जो महाराष्ट्र के अरब सागर में आए चक्रवर्ती तूफान टोटे के कारण मुंबई के तट से कुछ दूरी पर सागर में फंस गया था और फिर 16 मई सोमवार को डूब गया था। यह पहला जहाज था जो समुद्र से दूर चला गया था, जिस पर 273 लोग सवार थे। द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज कन्फर्म्ड दैट शिप हैड ब्रोकन फ्री ऑफ इट्स एंकर शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट ऑन मई 16। P-305 पर मौजूद रहे लोगों में से कम 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 38 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय नेवी ने थर्सडे को हेलीकॉप्टर तैनात किए और हवाई मार्ग से तलाश एवं बचाव अभियान चलाया। राहत की बात यह है कि बेहद खराब मौसम से भी जूझते हुए नौसेना के जवानों ने बार्ज P-305 पर मौजूद 273 में से लगभग 186 लोगों को बचा लिया है। दो लोगों को टगबोट वारपदा से बचाया गया है। मुंबई पुलिस यह जांच करने में जुटी है कि टोटे साइक्लोन के बारे में चेतावनी जारी करने के बावजूद बार्ज P-305 उस क्षेत्र में क्यों रुका था। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर वर टू मेनी टेक्निकल फेलियर्स दैट फ्लैग सीरियस कंसर्न्स। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सोर्सेज सेड फॉलोइंग द वेदर वार्निंग, ONGC हैड एक्टिवेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड इशूड इंस्ट्रक्शंस टू ऑल इंस्टॉलेशंस टू टेक एक्शन एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने बार्ज P-305 के कैप्टन राकेश बल्लाव पर FIR दर्ज किया है। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी ANI, एन ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर 3042, 338, 34 IPC एट येलोगेट पुलिस स्टेशन इन मुंबई।